महात्मा गांधी मिशनच्या जेएनईसी महाविद्यालयाच्या वतीने स्मार्ट सिटीवर आधारित अग्निशो या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. शुक्रवारी महात्मा गांधी मिशन संस्थेच्या जेएनईसी महाविद्यालयात अग्निशो या स्मार्ट सिटीवर आधारित कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. इंजिनिअरिंगच्या विविध शाखेतील विद्यार्थ्यांच्या कल्पनाशक्तीची प्रचिती या निमित्तानं आली. अग्निशो हा गेल्या 6 वर्षापासून जेएनईसीमध्ये कंडक्ट करतो आहे आम्ही. हा स्टेट लेवलचा इव्हेंट आहे अंडर CSI कम्प्युटर सोसायटी ऑफ इंडिया. 10 वेगवेगळे टेक्निकल इव्हेंट्स याच्या ह्या फेस्टिवलच्या अंडर आम्ही अरेंज करतो. हे 10 इव्हेंट्ससाठी स्टुडंट्स आमच्या कॉलेजचे ऑर्गनायझर ॲज वेल ॲज टीम मेंबर असतात. ऑल ओवर स्टेटचे स्टुडंट इथे पार्टिसिपंट म्हणून येतात. गेल्या 5 वर्षापासून ह्या इव्हेंटला बऱ्यापैकी प्रतिसाद मिळालेला आहे. अग्निशो ये नेशनल लेवल टेक्निकल इवेंट है. ये पिछले 4 सालों से जेएनईसी में होता आ रहा है और ये 5वां साल है. मराठवाड़े का सबसे बड़ा टेक्निकल इवेंट जिसे आप बोल सकते हैं अग्निशो. और इसमें अलग अलग तरह के टेक्निकल और नॉन टेक्निकल इवेंट्स हमने रखे हैं, जैसे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे त्रिसम में बोल के एक इवेंट है सिविल वालों के लिए, एक रणस्तंभ इवेंट है सिविल वालों के लिए, एक इलेक्ट्रॉइड बोल के इवेंट है ENTC के लोगों के लिए. उसके बाद हमारे पास लॉन गेम्स है, लैंड गेम्स है और काफ़ी फन एक्टिविटीज़ चालू है. यहाँ पे अब तक 1800 एंट्रीज़ के ऊपर हमने अचीव कर लिया है और उम्मीद है कि 2500 एंट्रीज़ के ऊपर जाएगा ये. स्मार्ट सिटीची संकल्पना कशी असेल, वाहतुकीला पर्याय म्हणून काय उपाययोजना असतील, रोबोच्या विविध कसरती कशा असतील, यापासून ते कम्प्युटरच्या विविध यंत्रणांचा वापर करत जीवनशैली कशी सुधारता येईल यासारख्या अनेक विषयांवर या निमित्तानं विचार मंथन करण्यात आलं. ऑर्गनायझिंग ब्रिज मेकिंग इव्हेंट इन द अग्निशो, दॅट इज त्रिसाम्य. द नेम ऑफ द इव्हेंट इज त्रिसाम्य. इन दिस इव्हेंट वी हॅव गॉट अ लॉट ऑफ पार्टिसिपंट्स ओव्हर हियर. दे हॅव मेड देअर ब्रिजेस ओव्हर हियर. We are going to test their bridges. We are going to find out their efficiency and how strong their bridges students can make. So basically in this round, in this event there are 3 rounds. The first round will be the dimension check. The dimension of each bridge will be checked. And the second round, the live load will be passed. A live load trolley, that is, which is over here. The live load will be passed over the bridge. And in the third round, we'll put on the point load over the bridge. And the loading will be done until the ultimate capacity of the bridge comes out. Right? And the winner will be chosen on the formula of efficiency. Efficiency is the self-weight of the bridge divided by the weight carried. 3 rounds होने वाले इस event में. Event का नाम है Virtual Campus. इसमें 3 rounds होंगे, जिसमें कि first round होगा aptitude test, जिसमें कि general logical reasoning और mathematical questions होंगे. ये round जो clear करता है वो हो जाएगा next round में, that is group discussion. Group discussion में हम team of 10 बनाएंगे और उनको 5 minute का duration देंगे, जिसमें उनको उस topic पर, दिए हुए topic पर बोलना होगा 5 minute के लिए. अच्छे परफॉर्म करेंगे उनको हम लेकर जाएंगे 3rd राउंड के लिए, जो होगा पर्सनल इंटरव्यू राउंड. इसके लिए हमने बाहर से पैनल में बुलाए हुए हैं. टाइम के डायरेक्टर हैं रजत पानी सर, कृणाल सर एंड अभिलाषा नाथ. ये लोग PI और ग्रुप डिस्कशन जज करेंगे. इस इवेंट के पहले हम लोगों ने एक टॉक शो भी कंडक्ट किया था, जो कि टाइम के डायरेक्टर कृणाल सर ने किया. अग्निशो 15 में हमारा इवेंट है कोडिया. कोडिया एक प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट है जिसमें प्रोग्रामर्स आए हैं काफ़ी दूसरे कॉलेजेस से. राउंड 1 हमने सी बेस्ड एप्टीट्यूड रखा है. राउंड 2 और राउंड 3 प्रोग्रामिंग पर बेस्ड है. राउंड 2 में ब्लाइंड प्रोग्रामिंग राउंड है हमारा और राउंड 3 जो है वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग पर है. यावेळी विभाग प्रमुख डॉक्टर VV मुसांडे, प्राध्यापक परमिंदर कौर यांच्यासह अनेक शिक्षकांची उपस्थिती होती. स्पर्धा यशस्वीतेसाठी गौरव काशीकर, नमिका गुप्ता, मयूर आंबेकर, अली टक्सली, स्नेहल सुतावणे, प्राची दुसाद, मोहित दबीर, सुरभी शर्मा यांच्यासह अनेकांनी परिश्रम घेतले.